हिंदू धर्म में नवरात्रि का बड़ा महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि हम सच्चे श्रद्धा भक्ति भाव से आदिशक्ति जगत जननी माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन करते हैं तो माँ दुर्गा का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में खुशहाली बनी रहती है। लोकल 18 से बात करते हुए आचार्य पंकज सावरिया ने बताया कि चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि को कुल देवी के पूजन का भी विशेष विधान होता है। यही कारण है कि चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि को सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक माना जाता है। चैत्र नवरात्र की अष्टमी के दिन कई घरों में कुल देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा हवन की जाती है। अष्टमी के दिन कुछ लोग घर में तो कुछ लोग मंदिर में जाकर कुल देवी की पूजा करते हैं। तो आइए आचार्य पंकज सावरिया से ही जानते हैं कुल देवी की पूजा का महत्व और पूजा विधि। श्री कृष्ण, मैं आचार्य पंकज सावरिया। हमारे जीवन पर एक बात को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज हम लोग दुनिया में पूजा करने जा रहे हैं, जगत में अर्चना करने वंदना करने जा रहे हैं, और हमारे घर में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। फिर हम परेशान होते कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर हमारे घर में शांति क्यों नहीं। तो मुख्य बात यह है कि हम बाहर तो मना रहे हैं, पता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में जो हमारे कुल की देवी है, जो हमारी ईष्ट है, और वह 16 देवियाँ होती हैं, गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातरो, लोक मात्रा, ये ऐसी 16 देवियाँ हैं और यह कुल देवियाँ होती हैं। यदि यह रूठ गई, यदि यह नाराज हैं, तो हम चाहे कितनी भी पूजा अर्चना कर लें, हमारा कार्य सफल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले कुल देवियों को मनाना चाहिए। कुल देवियों की पूजा बड़े आनंद के साथ, बड़े धूमधाम के साथ कुल देवी की पूजा करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि पर अष्टमी को कुल देवी की पूजा का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर आप सुंदर स्नान ध्यान करके और आप गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से माता कुल देवी का पूजा करें, कुल माता का पूजन करें, लाल पुष्प अर्पण करें माता को, और एक थाल पर सुंदर भोग सजाएं, जिस पर हलवा, पूरी, चना और नारियल, श्रृंगार जरूर रखें। कुल देवी के लिए श्रृंगार जरूर रखें। श्रृंगार लेकर के माता कुल देवी की पूजा आप करिए, और पूजन करने के बाद थोड़ा सा हवन अवश्य करें, जिससे माता कुल देवी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। और यदि कुल देवी प्रसन्न हो गई तो हमारे घर में पहली बात तो धन धान्य सुख शांति संपन्नता बनी रहती है, साथ ही संतति की प्राप्ति होती है, संतान की बाधा नहीं होती। इसलिए यह भी पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। और माता कुल देवी का पूजन आप जितना आपसे हो सके सहज रूप से करिए। कुल देवी का पूजन, कुल की माता है, वो हमारी माँ है, तो हमसे नाराज थोड़ी होगी। लेकिन यदि रूठ गई, उसको मनाने का बहुत सुंदर, जैसे हमारी माँ रूठ जाती, कभी हमसे माँ कभी रूठती नहीं। अगर माँ को मनाना है तो आप प्यार से माँ के पास जा करके चरण पकड़ लो, माँ मान जाती है। ऐसे भाव से ही आप कुल माता की पूजन करें। यदि कुल माता आपकी रूठ गई हैं, नाराज हैं, तो आपका कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए कुल देवी की पूजन अवश्य बड़े भाव से करना चाहिए।